परम पूज्य संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की कृति भागवत नवनीत। आज हम देखेंगे ध्रुव चरित्र। उसमें ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव चरित्र। विदुर जी ने प्रश्न किया है, मनु महाराज की तीन कन्याओं का वंश आपने मुझे सुनाया, अब मनु महाराज के बालकों का वंश सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मनु महाराज के यहाँ दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा के वंश की कथा का पंचम स्कंद में वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में राजा उत्तानपाद के वंश की कथा आती है। अथातः कीर्तजे वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वह स्वायंभुवस्यापि मानोर हरेरंशांश जन्मनः मनोर स्वायंभुवस्यापि मनोः हरेरंशांश जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय में षष्ठ सप्तम श्लोक। मनु महाराज के पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के यहाँ दो रानियाँ हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं, सुनीति में सौंदर्य का अंश बहुत कम है। सुरुचि रानी में कोई खास सद्गुण नहीं है, सौंदर्य है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया। सौंदर्य का जब मोह होता है तब ज्ञान बह जाता है, विवेक टिकता नहीं है। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गया। आंख दो प्रकार की मानी गई है, बाहर जो आंख है उसे चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चमड़ी को ही देखती हैं, चमड़ी का ही मोह होता है। जगत के स्त्री पुरुषों को अंदर की आंखों से देखो, अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जिस आंख से स्वप्न दिखता है, मानव स्वप्न को देखता है तब बाहर की आंख बंद होती है। बाहर तो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं, चर्म चक्षु चमड़ी को ही देखती है। अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को ज्ञान चक्षु से देखो, इसका अर्थ यह है कि चमड़ी को मत देखो, चमड़ी का ही मोह होता है। राजा का मन सुरुचि रानी में फंस गया। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गए। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है, राजा सुरुचि रानी के साथ राजमहल में रहता है। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है, सुरुचि का जो बालक है उसका नाम उत्तम है। थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव उत्तानपाद के जैसे ही हैं। पाद का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर। जिसके पैर ऊपर हैं और मस्तक नीचे हैं उसको उत्तानपाद कहते हैं। माता के पेट में गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद हैं। मस्तक प्रथम बाहर आता है, पैर पीछे आते हैं। मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। गर्भ में सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद जीव है। जीव को दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव को नीति अच्छी नहीं लगती है, सुरुचि प्यारी लगती है।
इंद्रियां जो सुख भोगने की इच्छा रखती हैं वही सुरुचि है। जीव को रुचि प्यारी लगती है, सुख भोगता है तब जीव नीति को नहीं पूछता है, उसको बाहर निकाल देता है। उसको नीति प्यारी लगती नहीं है, उसको रुचि प्यारी लगती है। रुचि के अधीन हो करके जीव सुख भोगता है। इच्छा के ऊपर अंकुश रखो, इंद्रिय मांगे तब उसको उसी समय सुख देना नहीं है, जीभ मांगे तब जीभ को उसी समय सुख मत दो। घर में केसरी पेड़ा है, जीभ ने कहा पेड़ा खा, जीभ मांगे तब जीभ को देना नहीं। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तू मांगेगी तुम्हें नहीं मिलेगी, जीभ मांगे तब तत्काल जीभ को नहीं देना चाहिए। 5-10 मिनट जीभ तूफान करती है, पेड़ा अच्छा है, प्रसादी है, थोड़ा खा लो। जब एक बार उसको मालूम हो जाए कि मैं जो मांगूं सो मुझको मिलने वाला नहीं है, तब वह कहाँ जाएगी। शांति से बैठे रहो, आप सब मालिक हैं, इंद्रियां आपकी नौकर हैं। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वह बहुत दुखी हो जाता है। नौकर मालिक के अधीन है, इंद्रियां नौकर हैं, आत्मा मालिक है। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए हैं, सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार ही अज्ञान है। जिसको रुचि प्यारी लगती है, संसार का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। जो जितेंद्री है वही भक्ति कर सकता है, उसी को भगवान का ज्ञान होता है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का अज्ञान। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रिय सुख में फंस हुआ है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो कायम टिकता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद 2-4 मिनट जो सुख का भास होता है वह कायम टिकता नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि बर्फी बहुत अच्छी है। बर्फी आपको कितने समय अच्छी लगती है? बर्फी डिब्बे में है तब अच्छी नहीं लगती है। बर्फी पेट में जाने के बाद अच्छी नहीं लगती है। जीभ के ऊपर रखो, गले से नीचे उतरती है तब 2-4 मिनट बर्फी अच्छी लगती है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर थोड़े समय के लिए जो सुख का भास होता है, पेट में जाने के बाद तो विष है। विषय विष है। पेट में जाने के बाद बर्फी अच्छी नहीं लगती है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर जो सुख का भास होता है उसी को विषयानंद कहते हैं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। भक्ति में एक बार आनंद आ जाए तो वह कायम रहता टिकता है। भागवत कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से एक प्रतिज्ञा करो, भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर तत्काल आनंद मिलता है, वह आनंद टिकता नहीं। भक्ति में जल्दी आनंद आता नहीं है, किंतु जब आनंद आएगा तो वह आनंद कायम रहेगा। भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति छोड़ना नहीं, विषयानंद भोगना नहीं। विषयानंद आरंभ में दुख देता है, विषयानंद आरंभ में सुख देता है और परिणाम में विषयानंद आरंभ में दुख देता है और परिणाम में भी दुख देता है। मध्य में थोड़े समय तक सुख का भास कराता है। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने जाते थे तब सामान बहुत थोड़ा सा ले जाते थे। गाड़ी नहीं थी, पैर से चलकर यात्रा करते थे। जिसकी बहुत ज़रूरत हो वही सामान साथ में ले जाते थे। अब तो गाड़ी से यात्रा करने लगे हैं, इसलिए यात्रा में सामान बहुत ले जाते हैं। कितने लोग तो घर ही उठाकर ले जाते हैं सब चाहिए। दो मित्र यात्रा करने के लिए निकले थे।
एक मित्र को ऐसी आदत पड़ गई थी कि पलंग ना हो तो उसको नींद आए ही नहीं, पलंग पर सोने की आदत पड़ गई थी। वह यात्रा करने के लिए निकला तब उसने साथ में पलंग भी रख लिया। जो व्यसनी है, जो शौकीन है, वह क्या न करे। सो बहुत सा सामान लेकर वे यात्रा करने के लिए निकले। मार्ग में एक बार ऐसा हुआ कि कहीं नौकर मिला नहीं, मजदूर मिला नहीं। फिर उसने विचार किया कि आज मैं ही मजदूर हो जाऊं। सो उसने मस्तक के ऊपर पलंग रखा और दूसरा जो सामान था उस बोझा को लेकर चलने लगा। मार्ग में एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा, यात्रा करने के लिए निकले हो, इतना बोझा मस्तक के ऊपर आपको रखे देखकर मुझे दुख होता है। आपके मस्तक पर इतना वजन है, आपको कितना त्रास होता होगा। उसने कहा, इसमें ज़्यादा कोई त्रास नहीं है, पर रात्रि में बहुत मज़ा आता है। यह किसी यात्री की कथा है कि आपकी कथा है। मानव संसार का क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख सहन करता है, अति दुख सहन करके क्षणिक सुख भोगता है। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है, उतना दुख भगवान के लिए सहन करे तो भगवान को जल्दी दया आए। विषयानंद और भजनानंद, विषयानंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है, किंतु जब आनंद आएगा वह आनंद कायम रहेगा। दो आनंद आपके सामने रखे हैं, भजनानंद और विषयानंद। ध्रुव भजनानंद है, उत्तम विषयानंद है। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक मित्र बोला कि ध्रुव को उसके पिता घर में नहीं रखते, उसकी माँ को घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी ने जब यह सुना तो दौड़ते हुए घर में आए, माँ से पूछते हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं। माँ का हृदय भर आया, अब बालक बड़ा हो रहा है, समझने लगा है, मैं उसको कैसे कहूँ कि तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है। सुनीति बालक को समझाती है, ये जो राजमहल दिखता है इसमें तेरे पिताजी रहते हैं, ये जो राजमहल दिखता है इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। ध्रुव ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है। अब माँ क्या बोले। ध्रुव जी दौड़ते हुए राजमहल में आए हैं। राज ने सुनीति रानी का त्याग किया था, परंतु राजमहल में जो नौकर हैं, दासियां हैं, वे सभी सुनीति को मान देते थे। आज सुनीति का बालक राजमहल में आया है, सभी ने प्यार किया। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं। सेवकों ने कहा, वे तो अंदर बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर गए हैं। ध्रुव जी ने देखा, सोने का सिंहासन है, मखमल की गादी पर उसके पिता बैठे हैं, उसके भाई उत्तम को गोद में लिए हैं, विमाता सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार किए हुए वहाँ खड़ी हैं। ध्रुव जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि पिताजी की गोद में मैं भी बैठूं। ध्रुव जी दौड़ते हुए पिता के पास गए हैं। कोई भी बालक आपसे आपके पास आए तो बालक में बालकृष्ण का दर्शन करो। जब तक बालक में विकार वासना नहीं है तब तक वह भगवान है। वासना जागृत होने पर जीव भाव आता है। विकार वासना नहीं है तब तक वह भगवान का स्वरूप है। सभी बालकों में बालकृष्ण का दर्शन करो। बालक का हृदय शुद्ध होता है। बालक को थोड़ा सा भी आप कुछ दोगे वह बहुत मानता है। थोड़े को बहुत माने वह ईश्वर है। बहुत मिलने पर भी जिसको थोड़ा लगता है, कम लगता है, वही जीव है। बालक के हाथ में एक छोटा सा पेड़ा दे दो, वह राजी हो जाएगा। बालक को जो प्रसन्न करता है वह बालकृष्ण को प्रसन्न करता है। कितनी माताएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें अपने बालक में तो
बाल कृष्ण का दर्शन होता है, किंतु दूसरे के बालक में उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है। आंख में प्रेम रखी रखो, कितनी माताएं तो दूसरे के बालक को समझाती हैं, तू जा यहाँ से, तेरी माँ तुझे बुलाती होगी, तू जा यहाँ से, ऐसा मत करो। प्रत्येक बालक में बालकृष्ण का दर्शन करो, जो बालक को प्रसन्न करता है वो बालकृष्ण को प्रसन्न करता है, जो बालक को प्रसन्न करता है वह बालकृष्ण को प्रसन्न करता है। ध्रुव जी पिताजी के पास आए, गोद में बैठने की इच्छा है। राजा को भी ऐसी इच्छा हुई कि बालक प्रेम से आया है, उसको भी मैं गोद में ले लूँ। विमाता सुरुचि वहाँ खड़ी है, उसकी आँख में वैर है, भक्ति में आँख मुख्य है। जिसकी आँख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। आँख में प्रेम रखो, सभी को प्रेम से देखो, सुरुचि की आँख में वैर है। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने को तैयार हुए हैं, सुरुचि को वह सहन नहीं होता है। राजा उत्तानपाद से वह कहते हैं, उसको गोद में लेना नहीं, आपका पुत्र तो उत्तम है, उसी के साथ खेलो, वह यह आपका पुत्र नहीं है। राजा रानी के दास हो गए थे। अतिकामी पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। अतिकामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं है, अतिकामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा ही लगता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है। स्त्री में विश्वास रखो, अति विश्वास रखना अच्छा नहीं है। अतिकामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है। अतिकामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं है, वह स्त्री में अति विश्वास रखता है। स्त्री जो बोलती है वह उचित है अथवा अनुचित है, इस पर थोड़ा सा विचार करो। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुख फेर लिया है। बालक वहाँ खड़ा है, सुरुचि को वह भी सहन नहीं होता है, उसकी आंख में वैर है। ए तू जा यहाँ से, रानी मैं हूँ, तेरी माँ रानी नहीं है, मेरी दासी है, दासी का तू पुत्र है, तू जा यहाँ से। बालक समझता है यह मेरी माँ को दासी कहती है। दासी शब्द जब सुना है ध्रुव जी को दुख हुआ है। दासी शब्द हृदय में बाण के जैसा लगा है, बालक रोने लगा है। मेरी माँ को दासी कहती है, विमाता सुरुचि हंसती है, बालक का मैंने कैसा तिरस्कार किया, मैं बड़ी सयानी हूँ, राजा को मैंने हाथ में रखा है। बालक रोता है, विमाता हंसती है। अब ध्रुव जी को सुनीति माँ याद आती है। ध्रुव जी दौड़ते हुए सुनीति माता के पास जाते हैं। सुनीति माता के लिए तो वह प्राण से भी प्यारा है, क्यों रोता है? सुनीति दौड़ती हुई गई, बालक को उठा करके घर में ले आई, गोद में लेकर प्यार करती है। बेटा क्यों रोता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने मारा है इसलिए तू रोता है? बेटा तू तो राजा का पुत्र है, मैं तेरे पिता को कह दूंगी, तेरे पिता बड़े राजा हैं, तुम्हें किसी ने मारा हो तो तेरे पिता उसको सजा करेंगे, रोना नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? जिसकी माता सुनीति है उसका पुत्र सुशील होता है, जिसकी माता सुनीति है उसका पुत्र सुशील होता है। माता पिता के आचार विचार बालक में आते हैं। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन वैभवम्। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन वैभवम्। बालक बोलता नहीं है, रोता है,
मैं कैसे कहूँ कि विमाता ने मेरा तिरस्कार किया है, पिताजी ने मेरे सामने देखा भी नहीं, ऐसा बोलूँ तो माता पिता की निंदा करने के लिए जैसा पाप होगा, इसलिए बालक बोलता नहीं है, धीर गंभीर है, वो सुनीति माता का पुत्र है। मात्र पुण्य न पुत्र और पुत्री सुशील होता है, पितृ पुण्य न चातुर होता है, वंश पुण्य न पुण्य से औदार्य होता है, आत्म पुण्य से वैभव होता है, स्वपुण्य से आत्म पुण्य मतलब स्वपुण्य से वैभव होता है। सुनीति ने जब कहा कि क्यों रोता है, तू तो राजा का बेटा है, तब ध्रुव जी ज्यादा रोने लगे, माँ का हृदय भर आया, पतिदेव ने मेरा त्याग किया है, मेरे बालक को किसने रुलाया, मेरा बालक बड़ा सयाना है, आज तक कभी ऐसा रोया नहीं था। माता सुनीति ध्रुव जी से पूछती है। उसी समय एक दासी वहाँ आई है, दासी ने सब कथा सुनाई, राजमहल में गए थे, गोद में बैठने की इच्छा थी, पिताजी गोद में लेने को तैयार भी हुए थे, तब विमाता ने कहा तू यहाँ से चला जा, वन में जा, तू दासी का पुत्र है, रानी मैं हूँ, इसलिए बालक रोता है। सुनीति ने सुना, उसे दुख होता है, 2 मिनट गोद में बैठ लेता तो क्या होता, बिना कारण सुरुचि वैर करती है, मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, मेरे बालक का तिरस्कार किया। आज सुनीति माता को दुख हुआ है, सुनीति ने विचार किया कि दुख में आवेश में बोलना नहीं है, मेरे बालक को राज्य संपत्ति भले ही मिले न मिले, मुझे बालक को अच्छे संस्कार देने हैं, पैसे से ही सुख मिलता है, यह कल्पना मन में आई तभी से पाप बढ़ा है, संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सरलता हो, अच्छे संस्कार हो तो बहुत सुख मिलता है, मेरे बालक को मैं अच्छे संस्कार दूंगी। आराधया धोक्ष जपाद पद्मं यदि इच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा, आराधया अधोक्ष जपाद पद्मं यदि इच्छसे अध्यासनम उत्तमो यथा। बेटा, तेरी विमाता ने जो तुम्हें कहा है वही मैं तुम्हें कहती हूँ। विमाता बहुत रुआब में बोली है, वन में चले जाओ, सुनीति माता वही उपदेश बहुत प्रेम से करती है। बेटा, भीख मांगना है तो भगवान के पास भीख मांगनी चाहिए, जगत दरिद्री है, जगत में श्रीमान एक श्री कृष्ण ही हैं, जगत में श्रीमान एक श्री कृष्ण ही हैं, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख की कथा किसी मानव को कहना ही नहीं, एकांत में भगवान से कहो। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख की कथा किसी मानव को कहना नहीं है, एकांत में भगवान से कहो। जीवन में कोई भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं, दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख आपको सुख देने के लिए आया है, दुख आपने घर में आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख आपको सुख देने के लिए आया है, दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है, दुख आपको सावधान करने के लिए आया है। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में सावधान रहता है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं, एकांत में बाल कृष्ण लाल की थोड़ी पूजा करो, भगवान की आरती करो, दरवाजा बंद करके एकांत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
15-20 मिनट ऐसा कीर्तन करो। कीर्तन में हृदय थोड़ा पिघलेगा, आंख थोड़ी गोली या गीली हो जाएगा, थोड़ी तन्मयता होगी, तब भगवान को कहना मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसी दशा है। भगवान बहुत प्रेम से सुनते हैं, भगवान बहुत बहुत देते हैं, भगवान देते हैं, तब जीव लेता हुआ थक जाता है। भगवान चार हाथ से देते हैं, जीव दो हाथ वाला है, कितना लेगा। भगवान बहुत देते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। भगवान बहुत देते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। ये मानव ऐसा दुष्ट है कि देने के बाद बोलते हैं मैंने मदद की है, मैंने दिया है। भगवान बहुत देते हैं कभी बोलते नहीं। मांगता है तो भगवान के पास मांगो, मांगना है तो भगवान के पास मांगो। आराधया अधोक्ष जपाद पद्मम यदि इच्छा से अध्यासनम उत्तमो यथा। सुनीति माता ध्रुव जी को समझाती है, तेरी माँ ने तेरे को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, वन में जाकर के भगवान की भक्ति करो। बेटा जिस घर में माँ नहीं है उस घर में रहना अच्छा नहीं है। इस घर में तू रहेगा तो मेरी विमाता रोज तेरा अपमान करेगी। बेटा तू रोता है तब मुझे भी दुख होता है। जहाँ माँ नहीं है वहाँ रहना नहीं, वन में जाओ। तेरे पिता परमात्मा नारायण हैं, नारायण भगवान तुम्हें गोद में लेंगे। आज से मैं तुम्हें नारायण को चरणों में अर्पित करती हूँ। तू भगवान का पुत्र है, जहाँ मान नहीं है वहाँ रहना अच्छा नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, माँ तू मुझे वन में भेज रही है, तू मेरे साथ नहीं आएगी। तुम्हें इस घर में कहाँ मान है। सुनीति समझाती है, मैं जानती हूँ ये मुझे मानते नहीं हैं, फिर भी मुझे घर छोड़ना नहीं है। मैं दुख सहन कर लूँगी। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। मेरे पिताजी ने पतिदेव को मेरा दान किया था। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। मेरे पिताजी ने पतिदेव को मेरा दान किया था। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। स्त्री बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहे, युवावस्था में पतिदेव के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। स्त्री बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहें, युवावस्था में पतिदेव के अधीन रहें और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहें। स्त्री बहुत स्वतंत्र हो करके बाहर घूमती है तो स्त्री का पतन हो जाता है। स्त्री बहुत स्वतंत्र हो करके बाहर घूमती है तो स्त्री का पतन हो जाता है। स्त्री में स्नेह ज्यादा है, बुद्धि कम है। स्त्री में स्नेह ज्यादा है, बुद्धि कम है। जो स्त्री घर छोड़ करके बाहर बहुत घूमती है वह घर बिगड़ जाता है। स्त्री का धर्म यह है कि घर के एक एक जीव में ईश्वर की भावना करे। स्त्री का धर्म यह है कि घर के एक एक जीव में ईश्वर की भावना करे। मैंने पति में परमात्मा की भावना रखी है। पतिदेव भले ही मेरा तिरस्कार करे तो भी मैं पति की सेवा नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैं पतिदेव की सेवा करती थी, आज से मैं सावधान रहूंगी। जो मेरे पति को बहुत प्यारी लगती है उसकी मैं दासी हूँ। वो मेरा तिरस्कार करेगी, मेरा अपमान करेगी तो भी मैं सहन करूंगी। कभी तो भगवान को दया आएगी, मैं वन में नहीं जाऊंगी। धर्माविरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूंगी, पतिदेव मेरा भले ही त्याग करें। मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है तो भी मैंने पति को परमात्मा माना है। पतिदेव की सेवा छोड़ करके मैं वन में नहीं जाऊंगी। बेटा पतिदेव की सेवा करते हुए मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बालक का रक्षण करो। तू मेरे पेट में था तब जिस भगवान ने तेरा रक्षण किया वही भगवान जंगल में भी तेरा मंगल करेंगे। तेरी माँ तेरे साथ नहीं जाती है किंतु मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
मैं भगवान की रोज प्रार्थना करूंगी कि मेरे बालक को संभालना। आज से तू मेरा पुत्र नहीं है, आज से तू नारायण का पुत्र है। वेद में भगवान ऐसा बोले हैं, जीव मेरा पुत्र है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हो। जिस गादी में तेरे दादा बैठते थे, तेरे पिता बैठे हैं, भविष्य में दूसरा कोई बैठेगा, उस गादी में बैठने की इच्छा रखना ही नहीं। भगवान तुम्हें ऐसी गादी में बिठाएंगे जहाँ बैठने के बाद कभी उठने का प्रसंग आएगा ही नहीं। ध्रुव जी माँ की गोद में बैठे थे, खड़े हुए हैं, माँ को साष्टांग वंदन किया है। माँ का हृदय भर आया, 5 वर्ष का बालक है, मेरा भाग्य कैसा है, मुझे घर में रहना है, बालक को मैं वन में भेजती हूँ। उस समय सुनीति माता ने नारायण का स्मरण किया है, आपके आधार से बालक को मैं वन में भेजती हूँ, मेरे बालक को संभालना। ध्रुव जी को सुनीति माता ने बोध दिया है, बेटा वन में जाने के बाद कोई साधु संत मिले तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। संत सभी के पिता समान है, संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, संसार का सभी प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। कोई संत मिले तो संत को साष्टांग प्रणाम करना, बालक को समझाया है। सुनीति को दुख तो हुआ है, किंतु उसने दुख के वेग को दबाया है। बालक के सामने रोना नहीं है, उसके सामने मैं रोऊंगी तो वह रोने लगेगा। सुनीति ने अपना हृदय पत्थर जैसा कठिन बनाया। बालक के जाने के बाद दरवाजा बंद करके एकांत में मैं रो लूंगी, उसके सामने रोना नहीं है। अगले देखेंगे ध्रुव जी का कथा चरित्र, अगले देखेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण, सद्गुरु चरणारपितम सत्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सज्जनास्तु निर्भयाः, वासुदेवार्पितमस्तु, ॐ तत्सत्।